लो जी दोस्तों, एक बार फिर से हम आ गए हैं आप सभी के लिए और आज हम शेयर करने वाले हैं इस वॉशरूम का बहुत ही शानदार सा मेकओवर। मेकओवर से पहले हमने वॉशरूम की डीप क्लीनिंग पहले ही कर लिया है, सो क्लीनिंग का वीडियो ऑलरेडी हमने शेयर किया हुआ है, चेक कर लीजिएगा। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसका मेकओवर। तो जितने भी बाथ टॉवल्स हैं उसको वॉश करके हमने इस स्टैंड पे रख दिया। यहाँ पे हम हैंग कर रहे हैं ये हैंड टॉवल। अब हम टाइल्स पे लगाने जा रहे हैं ये वॉलपेपर बॉर्डर। इस स्टिकर को आप मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, लाइक कबर्ड, फर्नीचर, फॉल सीलिंग, वॉल साइड्स और टाइल्स पे इसका यूज़ किया जाता है। इसको हमने अमेजन से बाय किया है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी दे देंगे, अगर लेना हो तो ले सकते हैं। स्टिकर को लगाना बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा थोड़ा निकालते हुए हम इस तरह से लगाते जा रहे हैं। एक साथ नहीं निकालना है, नहीं तो ये स्टिकर वेस्ट हो जाएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होता है, इसलिए थोड़ा सा स्लोली स्लोली इस तरह से पीछे से कागज़ निकालते हुए स्टिक करते जाना है। एक्चुअली वॉशरूम में जो हाइलाइटर टाइल्स लगी है वो मेरी चॉइस की नहीं है, बिल्डर के साइड से प्रोवाइड की गई है। सम रीज़न उसको हम हटवा नहीं पाए, सो उससे मैच करके यहाँ पे हमने इस स्टिकर को बाय किया। ऐसे तो बहुत सारे कलर्स एंड डिज़ाइन मिलते हैं, हमने अंदाज से 10 फीट ऑर्डर किया था रोल, बट थोड़ा सा कम पड़ गया, कोई नहीं, उतना दरवाजे से कवर हो जाएगा। ये बॉर्डर का कटिंग स्टिकर इसमें लगा हुआ है तो इसको हम फेंकेंगे नहीं, सोच रहे हैं यूज़ में ले लें। और इसको लगाने जा रहे हैं बॉर्डर के ऊपर साइड। विंडो साइड तो हम इसको कवर कर नहीं सकते, तो बचे हुए स्टिकर को, ये जो आप ग्राउटिंग देख रहे हैं ये अच्छी नहीं लग रही है, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। अब हम दूसरा स्टिकर लगाएंगे सिस्टम पे। अब हम कमोड के लिड में लगाने जा रहे हैं ये लिफ्टर। ये डबल साइडेड टेप के जैसा है, इसके मिडिल में ये स्पेस बना हुआ है, जस्ट यहाँ पे इसको स्टिक कर देना है, उसके बाद जहाँ पे इसको लगाना है वहाँ पे इस तरह से लगा देना है। फ्रंट में ये दो आयरन नेल हमने पहले ही लगवा लिया था और यहाँ पे हम हैंग कर रहे हैं ये वॉल शेल्फ। ये हमारे बेडरूम में लगा हुआ था तो उसको हमने वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया। यहाँ पे हम हैंग कर रहे हैं ये सिरेमिक वॉल क्लॉक। अब हम मिरर के साइड वाली वॉल पे ये सेल्फ एडहेसिव हुक लगा रहे हैं और इसके लिए कुछ हमने DIY किया है। ये हमारा ओल्ड DIY वॉल हैंगिंग कोर्स था, सो इसमें से सारे पेपर निकालने के बाद 4 स्ट्रिप्स को हम वाइट से पेंट कर लेंगे। वाइट पेंट ड्राई होने के बाद इसके ऊपर हमने ग्रे एंड ब्राउन शेड से पेंट कर दिया और वॉशरूम से मैच करते हुए इसमें कुछ एटिकेट्स हमने लिख दिया। ग्लू की हेल्प से ऊपर नीचे स्ट्रिप्स को ज्वाइन कर दिया। अब इसे यहाँ पे हैंग कर देते हैं जिसपे हमने लिखा है वॉश, ब्रश, फ्लॉस, फ्लश। चलिए अब हम लगाने जा रहे हैं ये टूथब्रश होल्डर। साथ ही साथ इसमें ये टूथपेस्ट, सारे ब्रश और ये फेस वॉश को भी रख देंगे। बचा ये कॉर्नर शेल्फ, तो यहाँ पे भी सारे प्रोडक्ट को रख देते हैं। अब हम इस वॉल शेल्फ को डेकोरेट करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमने ये क्यूट से प्लांटर्स बनाए हैं, इसका वीडियो हम आप लोगों से बाद में शेयर करेंगे। इसी के साथ ये होममेड बाथ सॉल्ट भी बनाया है जो कि ग्रीन कलर है मिंट का और येलो कलर है लेमन का, तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। ये ओल्ड वाटर बॉटल है जिसको हमने बीच से कट कर लिया है। अब हम इसके कैप को निकालने के बाद इसमें डालेंगे ये POP का पेस्ट। अब वापस कैप को लगा देंगे इस बॉटल में। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि बॉटल वेट से मूव ना कर सके। और अब हम इसमें डाल रहे हैं ये फ्रेग्रेंस लेवेंडर पॉटपूरी। गोल्डन टेप से थोड़ा सा डेकोरेट कर दिया और इसको रख दिया प्लांटर के साइड पे। यहाँ पे रख रहे हैं ये ब्लूटूथ स्पीकर, इन केस किसी भी गेस्ट को म्यूजिक सुनने का मन करे तो वो सुन सकता है। बेसिन के कॉर्नर स्पेस पे रख रहे हैं ये एरोमा डिफ्यूजर। ये पुरानी सेरेमिक बॉटल को अब हम रिप्लेस कर रहे हैं और यहाँ पे हम रख रहे हैं ये नई हैंड वॉश लिक्विड की बॉटल। इस वाली शेल्फ पे रख रहे हैं ये DIY ग्लास प्लांटर जिसमें हमने मनी प्लांट लगा के रखा है। ये स्पाइसेस बॉक्स है जिसको हमने अमेजन से खरीदा था और इसको हमने एक ही बार यूज किया। इसमें इस तरह से हल्दी का कलर आ गया जो हमारे किचन में अच्छा नहीं लग रहा था, तो हमने सोचा चलो भाई इसका यूज वॉशरूम के लिए कर लेते हैं। सिल्वर से हमने इस पे पेंट कर दिया और एक में हमने यहाँ पे रख दिया ईयरबड, दूसरे में हम यहाँ रख रहे हैं ये टूथपिक, तीसरे में यहाँ पे रख रहे हैं कैंडल्स।
इसके साथ ये एरोमा लिक्विड और चौथे वाले बॉक्स में रख दिया कपूर। चलिए अब इस बॉक्स को रख देते हैं यहाँ सेंटर पे। ये हमारा काफ़ी साल पुराना ग्लास था जो टूट गया और इसे हमने फेंका नहीं, सोचा चलो इसका कुछ DIY करते हैं। इसके ऊपर जो शार्पनेस निकली हुई है उसको हम प्लास से कट करके बराबर कर रहे हैं। चारों साइड से हमने इसकी शार्पनेस को ख़त्म कर दिया है। अब हमने यहाँ पे लिया है POP, थोड़ा सा पानी डाला है थिक पेस्ट बनाने के बाद। हमने यहाँ पे लिया है ये प्लास्टिक का बॉक्स, उसी बॉक्स में हमने इसको डाला है और सेट करने के बाद फिर हमने इसके ऊपर से टूटे हुए ग्लास को सेट कर दिया। ड्राई होने के बाद हमने इसे निकाल दिया है। अब हम इसको वाइट से पेंट कर रहे हैं और पेंट ड्राई होने के बाद इसके बॉर्डर को हमने ग्रीन से पेंट कर दिया। और ये देखिए कितना खूबसूरत ये कैंडल होल्डर बनके रेडी है। इसके अंदर हम रख रहे हैं ये एरोमा कैंडल, इसके साइड में रख रहे हैं ये बाथरूम फ्रेशनर। अब हम यहाँ ग्लास में बैम्बू प्लांट को सेट कर रहे हैं, तो इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे हमने कुछ ट्रांसपेरेंट वाले स्टोन डाले हैं। देन पानी डालने के बाद इसको थोड़ा और हम डेकोरेट कर रहे हैं वाइट स्टोन से, और इसे हम रख रहे हैं फ्रेशनर के साइड पे। अब आती है बारी शावर कर्टन डालने की। तो ये जो कर्टन है इसको हमने लोकल मार्केट से ख़रीदा है, ऐसे तो ऑनलाइन भी मिलता है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, अगर आपको लेना हो तो ले सकते हैं। सोप होल्डर के जस्ट नीचे हमने लूफा को हैंग किया है। यहाँ पे हम रख रहे हैं कॉर्नर पे लाइव प्लांट। ये हमारा काफ़ी पुराना डस्टबिन है जो वॉशरूम से मैच नहीं जा रहा था, सो इसको भी हमने सिल्वर से पेंट कर दिया। चलिए अब एक दो हैक्स भी हम आप लोगों से शेयर करते हैं। डस्टबिन में जब हम पॉलीथीन लगाते हैं तो उसके नीचे ये कपूर की एक गोली ज़रूर रखते हैं ताकि बैड स्मेल ना आए, और इसको हम कमोड के जस्ट नीचे साइड रख दिए। एक बॉल बेसिन में रखते हैं ताकि किसी भी तरीके का इंसेक्ट्स ना आने पाए और एक फ्रेग्रेंस भी बनी रहे। लास्ट टॉयलेट ब्रश में थोड़ा सा डिटॉल लिक्विड डालते हैं, उसके साथ में पानी, और ब्रश को इस तरह से डिप करके रखते हैं ताकि किसी भी तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना होने पाए। चलिए अब हम डाल देते हैं वॉशरूम में मैट और दिखाते हैं फाइनल रिवील। ये जो फ्लोर मैट आप देख रहे हैं इसको हम किचन में यूज़ कर चुके हैं, पुरानी हो गई थी तो हमने सोचा फेंकने से पहले कुछ टाइम के लिए हम वॉशरूम में यूज़ कर लेते हैं। और वैसे भी सिस्टम पे जो स्टिकर लगा हुआ है उसको देखते हुए ये मैट काफ़ी मैच हो रही थी। देखिए गाइस, एरिया और साइज़ को देखते हुए हमने अपने वॉशरूम को अच्छे से अच्छा कोशिश की है डेकोरेट करने की। वॉशरूम को जब आप नीट एंड क्लीन रखते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसको डेकोरेट करके रखते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, है ना। चलिए दोस्तों, अब जल्दी से आप सभी हमें कमेंट करके बताइए कि आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा और कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगी। सो ये था आज का हमारा वॉशरूम मेकओवर वीडियो। अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पे कोई नया आया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय।